लेकिन गौतम जी, आजकल पॉलिटिकल पार्टी चलाना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलाना, चुनाव की गतिविधियां चलाना, हर मोड़ पे पैसे लगते हैं। आप वो जमाना गया जब दीवारों पर पोस्टर लगाकर आप अपनी कैंपेन चला सकते थे। आज टीवी है, मीडिया है, हर जगह आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और बिना पैसे के कुछ हिलता नहीं है, पत्ता नहीं खड़कता है। और एक दूसरी पार्टी है जो हर तरफ पैसे बहा रही है, बिल्कुल जैसे जिसको बोलते हैं गटर में बहाने जैसा, उस तरह का बहा रही है। ऐसे में मुकाबला कैसे करे कोई पार्टी? नहीं, बात तो आपने मुकेश जी सही कहा कि मुकाबला बहुत ही कठिन है, जो कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिसको देखना चाहिए था लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुनाव में, आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग के पास ये क्षमता है, वो तो चुनाव आयोग तो आप पता ही है सो रहा है, कोई चीज देख नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, सुन भी नहीं रहा है। ऐसे कोई चुनाव आयोग है जो 26 पॉलिटिकल पार्टी उसको सुना, ये बोलने टाइम मांगा, उसको टाइम भी नहीं दिया गया? ऐसे कभी हुआ कभी? मैं तो समझ में नहीं आता। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो चुनाव में होना चाहिए, इस चुनाव का घोषणा का पहले ही इसको खत्म कर दिया। एक तरह से आप जो जो इसका जो आर्थिक जो सोर्स है, इसको जो बंद किया है, ये ऑलमोस्ट लाइक ए नोटबंदी टाइप है। नोटबंदी के बाद ही यूपी में पहली यूपी में स्वीप किया था बीजेपी, क्योंकि सारे विरोधी दल जो था उसके पास पैसा नहीं था, जब्त हो गया। इस तरह का एक नया तरीका अपनाया कि इनकम टैक्स, इसी तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टी को, जो खास तौर पे कांग्रेस, जिसको मानते ही है कि कोई मुकाबला में है ही नहीं, फिर भी उसके खिलाफ ही जब सब कुछ होता है। बाकी पार्टियों के खिलाफ तो इतना कुछ नहीं होता है। कांग्रेस अगर इतना कमजोर है, कुछ नहीं है, मुकाबला में नहीं है, मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं है, फिर भी उसके ऊपर अटैक होता है, क्योंकि डर है बीजेपी का। यही एक पार्टी है जो कभी भी फिनिक्स पंछी के तरह कभी जग सकता है, तो इसलिए उसके किसी तरह से कमजोर किया जाए। ये तो एक रणनीति, ये सब लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज हो रहा है, बहुत खतरनाक परंपरा तय हो रहा है। एक दिन ना एक दिन शायद हो सकता है कि बीजेपी नहीं रहेगा, कांग्रेस आ जाएगा सत्ता में, कब आएगा पता नहीं, बट फिर भी अगर आ गया तो यही परंपरा, अगर वो तरीका अपनाएंगे तो क्या होगा देश में? धीरे धीरे से लोकतंत्र का जो जड़ है इसको खत्म करना है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पास इतना लोकप्रिय नेता है, विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, सिर्फ भारत में नहीं, इतना है इनका समर्थन, इतना है, फिर भी इसको इतना लगा अपनाना पड़ रहा है कि जो कर रहा है। आप कांग्रेस तो ऐसे पार्टी है, आप उसके तो बहुत सारी आप आलोचना कर सकते हैं। कांग्रेस इज द बेस्ट व्हिपिंग बॉय ऑफ दिस कंट्री। जितना बीजेपी को होना चाहिए उतना नहीं होता है। कांग्रेस को सबसे पहले आता है आलोचना, कांग्रेस ये नहीं किया, कांग्रेस को वो करना चाहिए था। अरे कांग्रेस को करना नहीं चाहिए था, क्या करना चाहिए था? भारत की जनता क्या कर रहा है, जनता सहन रहा है ना ये सब काम। मुझे नहीं लगता है कि मुझे जो लग रहा है, मैं मुकेश जी आपको कहूंगा, जिस तरह से भारत का लोकतंत्र अभी परिचालित होता है, देश में ना जाने एक एनआरपी आ जाए, लोग सड़क पे उतर गए इस तरह से, बिल्कुल आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये बात सही है, लेकिन लोग ज्यादा दिन सहनते नहीं है, ज्यादा दिन, मेरे हिसाब से ये लोकतंत्र के लिए वो भी एक खतरा है। एनआरकी नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि आप एनआरकी की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह से आप किसी के साथ लड़ने का उसका मौका नहीं दे रहा है, आप उसके साथ आपको मैदान में आके खेल के हराइए ना, आप तो हरा सकते ही, सब लोग जानते हैं। कौन सा मीडिया है कहा नहीं है कि बीजेपी का 300 पार 400 पार नहीं हो रहा है, तो फिर भी आपको ये करना पड़ रहा है। किस कारण से करना पड़ रहा है? क्योंकि वो झूठा प्रचार है, वो हो नहीं रहा है, इसके कारण आपको ये सब अपनाना पड़ रहा है कि ताकि जो मुकाबला दे सकते हैं उसको कैसे टांग टूटा जाए, उसको कैसे कमजोर किया जाए, कमर तोड़ दिया जाए। कमर तोड़ने का कारण है कि सारे अकाउंट जो फ्रीज करने का बात जो हो रहा है, लेकिन ये अभी जनता का, जनता अगर सहन लगे देश में एक तरह का लोकतंत्र, तो ये जनता का भुगतना पड़ेगा, जनता को ही सोचना हाँ, पड़ेगा क्या करना है। तो मुझे नहीं लग रहा है, मैं बहुत ही आशावादी हूँ, मैं उतना निराशावादी नहीं हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसका जवाब जनता ही दे सकते हैं, देंगे कि नहीं देंगे वो तो चुनाव का नतीजा साबित करेगा, ये तो हम लेकिन बाद में देखेंगे दादा, लेकिन लेकिन जवाब आ अभी सकता है, नहीं जी तो देश में सारे प्रधानमंत्री हार नहीं जाते, जी जनता ही लेकिन देश। अभी वो तो बात की बात है दादा, लेकिन डॉक्टर नहीं, रविकांत, आपने तो कहा बुनियादी सवाल कि मामला कांग्रेस तो अभी पहली के हार गई, चुनाव में, नहीं
के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं करने उतरने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं हूँ लड़ाई का मैदान में है। अभी आप भारत का जनता एक बड़ा स्टेक होल्डर है, मैदान में है दादा, मैदान में है। कांग्रेस के कारण कोई कांग्रेस जीता नहीं है, कांग्रेस को जीता है जनता ने। कांग्रेस को पता ही नहीं था कि बहुत जगह पे जीत गया, उसको भी पता नहीं था कैसे वो जीत गया। नहीं वो तो बीजेपी की जनता जिताती है ना, हिमाचल का जो चुनाव था उसमें थोड़ी कांग्रेस का लीडरशिप का क्रेडिट है या जनता का क्रेडिट है? अरे तो बीजेपी को भी जनता जिताती है दादा, बीजेपी सभी को जनता जिताती है। मैं इनकार नहीं करता, ज्यादा जिताता है कांग्रेस को, कम जीताता है। मुद्दा आज का ये नहीं है, मुद्दा आज का नहीं, ये नहीं है दादा, गौतम जी ये मुद्दा आज का नहीं है। मुद्दा ये है कि ये चुनाव किस तरह से लड़ा जा रहा है और किस तरह से गलत है। जी डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर रविकांत आपसे मेरे है नहीं, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर रविकांत आपसे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।